वी लव ट्रैवलिंग फॉर ए लॉट ऑफ रीजंस। हम हर एक ट्रिप पे जाते हैं और कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नया जगह एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा एडवेंचर करते हैं। इस बार भी हम कुछ ऐसा ही सोचे थे और कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे थे जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत दिनों से थे। बट किसे पता था इस बार हमारे साथ क्या एडवेंचर होने वाला है। It's me, Ritali. Welcome back to our channel. So today I am back with another new travel series. और इस बार हम आए हैं कर्नाटका में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह जो कि है सकलेशपुर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है अभी मानसून है और मानसून में आप सकलेशपुर, चिकमंगलूर या फिर कोई भी वेस्टर्न घाट के जगह चले जाओ, दैट विल बी वेरी ग्रीनरी एंड यू विल एन्जॉय लाइक एनी थिंग। अभी जो लॉकडाउन भी खुल गया है तो विदाउट क्यों ना हम अभी सकलेशपुर जाते हैं। और सकलेशपुर में आज हम ऐसे एक जगह पर आए हैं जो जगह मेरे बकेट लिस्ट में बहुत दिनों से था और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये जगह। बैंगलोर से हम आए, हसान होके आए, तो हसान तक जो है रास्ता बहुत अच्छा था, 4-lane road, वाइड रोड। बट हसान से टिल अलूर रास्ता थोड़ा बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो रास्ता थोड़ा ख़राब था। एंड अलूर से हमें लेफ्ट लेके अंदर आना है। तो बेसिकली हम हैं अभी हेमावती डैम एंड इन दैट डैम वी आर एग्जैक्टली एट सेट्टीहल्ली चर्च, जो कि फ्लोटिंग चर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्लोटिंग चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 6 महीना पानी के अंदर रहता है और 6 महीना ड्राई रहता है। तो बेसिकली दिस इज़ द हेमावती डैम एंड उस साइड है वो चर्च। तो अभी चर्च जो है पानी के अंदर है क्योंकि हम मानसून में आए हैं, तो हम एग्जैक्टली चर्च के पास तो नहीं जा सकते हैं, बट वी हैव द ड्रोन। तो दैट इज़ द चर्च, कैन यू सी। अभी पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मानसून का टाइम है और जो हम अंदर अंदर आए, ये एक्चुअली ये जगह का नाम है सेट्टीहल्ली विलेज। तो ये सेट्टीहल्ली विलेज के अंदर ये चर्च है तो इसीलिए इसका नाम सेट्टीहल्ली चर्च है। बट द चर्च नेम इज़ रोजरी चर्च। तो आपको आने के लिए वो वाला ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ेगा। बेसिकली आप वो ब्रिज के ऊपर भी रह के व्यू देख सकते हो। तो यार दिस प्लेस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा शॉट दिखाती हूँ, फिर मैं ये जगह का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. It's kinda strange, don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Oh my god, I can't tell you what just happened.
तो मतलब जो ड्रोन शॉट आपने देखा और अभी के टाइम बीच आधा घंटा से ज़्यादा गैप है, तो बेसिकली हुआ क्या, हम वो साइड थे, हम बेसिकली उस साइड थे और हम वहाँ से ड्रोन फ्लाई किए थे। ये रहा चर्च, तो हम चर्च के ऊपर ही ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, 3 से 4 मिनट ही ड्रोन फ्लाई किए थे और अचानक से कनेक्शन लॉस हो गया और हमें दिखा कि ऊपर बहुत बड़ा बड़ा दो बर्ड थे और फिर कनेक्शन लॉस हो गया। फिर जो ड्रोन का लोकेशन दिखाया वो एग्जैक्टली पानी के अंदर दिखाया एंड वी वर लाइक, आई वॉज लिटरली क्राइंग, वी वर लाइक वी लॉस्ट द ड्रोन, ओह माय गॉड। फिर हम मतलब एक लास्ट ट्राई करने के लिए इस साइड आए, इस साइड का रास्ता पता नहीं था, फिर हम मेन रोड से जाके इस साइड रास्ता आए। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, अचानक से ड्रोन का जो लोकेशन है वो मतलब ऐसे पेड़ वेड़ कुछ दिखाया, पौधा वौधा दिखाया, तो हमें लगा कहीं पे तो है यहाँ पे। वी गॉट द ड्रोन हियर एग्जैक्टली फॉलिंग हियर एंड आई कांट टेल यू, तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। अभी हम फ्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं बट ये फ्लाई नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कुछ डैमेज हुआ है, बट दैट्स ओके, डैमेज तो रिपेयर हो सकता है। बट वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द होप कि आज हमने ड्रोन खो दिया। मैं सोच ली थी कि आज ड्रोन गया और ये पूरा सीरीज में व्लॉग नहीं करूँगी, मतलब दिल्ली फिर भी मुझे बोला था ओके इट्स ओके कुछ नहीं होता है ऐसा, तो मैं तो पूरा लिटरली रो रही थी, बट फाइनली मिल गया। बट आई डोंट थिंक हम ये ट्रिप में और ड्रोन उड़ा पाएंगे बिकॉज ड्रोन अभी फ्लाई नहीं हो रहा है, मोटर स्टक दिखा रहा है, गिम्बल भी स्टक दिखा रहा है, गिम्बल स्टक दिखा रहा है, कैमरा ठीक है, कैमरा को कोई डैमेज नहीं हुआ है, बट गिम्बल और मोटर जो है वो स्टक दिखा रहा है। आई थिंक इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा आगे फेंक देता ना तो वो पानी के अंदर जाता और हमें ड्रोन कभी नहीं मिलता, तो वी आर ग्रेटफुल कि ड्रोन मिल गया करके। क्या जो आज एडवेंचर, रियली एडवेंचर फील था ये। अभी हम वापस जा रहे हैं, बहुत अ सैड डे एंड अ हैप्पी डे, पूरा इसलिए लग रहा है कि ड्रोन क्रैश हुआ हमारा और थोड़ा डैमेज हुआ, और अच्छा इसलिए लग रहा है एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि हमें मिल गया। तो ये जो चर्च है, रोजरी चर्च, तो ये बेसिकली बिल्ट हुआ था 1860 में बाय द फ्रेंच, 1960 में ये डैम बना यहाँ पे, तो उसके बाद ये चर्च रुइन चर्च बन गया। एंड ये चर्च इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये 6 महीना पानी के अंदर रहता है, सितंबर तक आएंगे तो पानी और ऊपर रहेगा, तो ये चर्च का बेसिकली 12 मंथ अलग ही चार्म है। समर में आते हो तो आपको पूरा आप चर्च के पास जा सकते हो, बहुत अच्छा फ़ोटो खींच सकते हो, और मानसून में आओगे तो आप पानी के अंदर डूबा हुआ चर्च देखोगे, उसका भी एक अलग ही व्यू, अलग ही मज़ा है। हमारा तो ड्रोन के चलते हम पता नहीं कितना ड्रोन शॉट इतना नहीं आ पाया, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखाती, बट आई होप यू एंजॉयड इट। और आसपास जगह बहुत अच्छा है, ये जो हेमावती डैम है ये बहुत बड़ा डैम है, इसके आसपास साइड में 2-3 स्टेइंग का भी ऑप्शन है, अगर आप आते हो और इसके साइड रहना चाहते हो देन यू कैन डू योर रिसर्च। अगर आप चिकमंगलूर जा रहे हो या सकलेशपुर जा रहे हो या फिर कहीं भी इसी रोड पे मैंगलोर कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप ये जगह को इंक्लूड कर सकते हो आपके आइटनरी में, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। लेक के साइड में ऐसे बहुत सारे ग्रीनरी जगह है जहाँ पे
यू कैन डू पिकनिक एज वेल, यहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक भी कर रहे हैं, आप अपना खाना वाना ला के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, वेदर के साथ अपना खाना इंजॉय कर सकते हो एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है आज। सही है, इसीलिए तो ड्रोन गया, सुहाने मौसम में ड्रोन भी घूमना चाहता था। चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ, हमें अपना ड्रोन कैसे मिला। तो फर्स्ट थिंग, जहाँ से हम ड्रोन फ्लाई कर रहे थे और जिस जगह पे हमें अपना ड्रोन मिला बाय रोड, वो जगह 400 से 500 मीटर दूर था। तो हमारे पास जो ड्रोन है वो है DJI Mavic Mini। तो मिनी में इतना ज़्यादा फीचर नहीं है जो कि प्रो और मैविक प्रो वगैरह में जो सब होता है, बट इसमें आप लास्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो हम वो लास्ट लोकेशन ट्रैक कर करके आए वो जगह पे, बट वो जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वो एग्जैक्टली बहुत ही बड़ा एरिया था, वो पानी के आसपास दिखा रहा था, तो हमें लगा वो पानी के अंदर होगा। और जैसे ही हम वो ड्रोन के आसपास आके पहुँचे तो हमें वो कनेक्ट हो गया, एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो गया और हमें दिखा, कैमरा ऑन हो गया, बट हम उस साइड जब थे तो बिल्कुल ही कनेक्शन ही पूरा लॉस हो गया था, कुछ दिखा नहीं रहा था, तो हमें लगा पानी में गया है। फ्लैश एंड बीप उसका एक फीचर है, वो ऑन हो गया तो साउंड करने लगा, बीप साउंड करने लगा और रेड कलर लाइट फ्लैश करने लगा। और एक चीज़ है, इतना ऊपर से वो गिरा है बट थैंकफुली उसका बैटरी नहीं निकला है, अगर उसका बैटरी निकल जाता तो हमें कुछ पता नहीं चलता, तो दैट्स ए गुड थिंग। तो मुझे वही अच्छा लगा, ये मिनी है बट फिर भी उसमें इतना फीचर तो दिया है कि ड्रोन क्रैश होने के बाद हम उसको पानी के साइड से निकाल पाए। ये जगह का व्लॉग मैं क्या सोची थी और क्या बन गया, बट आई होप यू एंजॉय इट। हम अभी एक रिजॉर्ट में चेक इन करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम यहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं और कल हम सकलेशपुर जाएंगे। आई विल स्टार्ट अ फ्रेश व्लॉग, ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट, इफ यू डिड देन गिव इट अ बिग थम्स अप, अगर नहीं हो देन सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आज का स्टोरी आपको कैसा लगा। और कल के वीडियो में कोई भी ड्रोन शॉट नहीं मिलेगा। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।